नमस्कार, मैं हूं नम्रता सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक पर्व छेरछेरा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने सबकी सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। श्री बघेल ने छेरछेरा पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि नई फसल के घर आने की खुशी में पौष मास की पूर्णिमा को छेरछेरा पुण्य तिहार मनाया जाता है। इसी दिन मां शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी, इसीलिए लोग धान के साथ साग भाजी फल का दान भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महादान और फसल उत्सव के रूप त्योहार मनाए जाने वाला छेरछेरा तिहार हमारी सामाजिक समरसता समृद्ध दानशीलता की गौरवशाली परंपरा का संवाहक है। इस दिन छेरछेरा कोटी के धान लहराते बोलते हुए गांव के बच्चे, युवा और महिलाएं खलिहानों और घरों में जाकर धान और भेंट स्वरूप प्राप्त पैसे इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा किए धान और राशि से वर्ष भर के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों में उदारता के कई आयाम दिखाई देते हैं। यहाँ उत्पादित फसल को समाज के जरूरतमंदों, लोगों, कामगारों और पशु पक्षियों के लिए देने की परंपरा रही है। छेरछेरा का दूसरा पहलू आध्यात्मिक भी है। यह बड़े छोटे के भेदभाव और अहंकार की भावना को समाप्त करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अमूल्य धरोहर और पौराणिक परंपराओं का संवर्धन और संवहन हो सके, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने छेरछेरा तिहार पर सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि हमारी समृद्ध सभ्यता और परंपराओं से भावी पीढ़ी का परिचय कराना हम सबका दायित्व है। सुवाला का खेदार मां पकड़ भी मां सुवाला का छे।